अभी घर में हूँ। वैसे बगान में नहीं काम करती? बगान में हमारा दोस्त देवर करता है। अच्छा। और मेरा हस्बैंड चारी में ड्राइविंग करता है। अच्छा। इलेक्ट्रिशियन। कितना साफ है आपका घर? नहीं वो किचन थोड़ा हम लोग को ज्यादा मालूम नहीं था ना आप लोग आएंगे बोल के, तो इसलिए ये सब ऐसे ही है, नहीं तो हम लोग गोबर माटी से पूरा पोछा मार देते हैं। ये बहुत साफ है, गंदा बिल्कुल नहीं। वो मतलब कढ़ाई उड़ाई लगते है ना नीचे काला हो जाता है। कुछ नहीं पड़ा ये पूरा चूल्हे पे बन रहा है? हाँ। है नहीं, गैस नहीं, खत्म हो गई, खाली सिलेंडर पड़ा है। खाली सिलेंडर आजकल खरीद नहीं सकते ना, महंगा हो गया। नहीं महंगा हो गया ना, महंगा हो गया ऐसा हम लोग का सब फालतू आदमी है ना, पढ़ने में नहीं है, थोड़ा गैस भराने में तकलीफ होती है। बोलने दो। और बच्चे हैं? बच्चे दो थे मैम। कितनी उम्र है? एक का 3 साल, तीन घर पे। हाँ, 3 महीना मिल सकती हूँ? हाँ, चलिए। हाँ, छोड़ सकते हैं ना इसे? हाँ। अदरक है। मेरा हस्बैंड है। अच्छा, नमस्कार। अब ये मेरा बच्चा है, बड़ा बच्चा। हाँ, मैं इन्हीं को ढूंढ रही थी। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है सब लोग घर में? भगा दूं? नहीं। नाम क्या है आपका? अयान। अयान, अयान तोसा हो? अयान तोसा। चलो मुझे घर दिखाओ अपना। हाँ, घर दिखा दो। इतने रुपए दे। हाँ। इसको कितना पिलाया? इसको ये बहुत ज्यादा दिन पिया। कितना? 4 साल। मैंने अपने को 14 महीने। हाँ। बेटे को, फिर बेटी ने तो छोड़ दिया 1 साल में, 10 महीने बाद फिर अपने आप छोड़ देती थी। छोटी बच्ची इतने दिनों से नहीं उठाई। बाबू को फोटो उठावे। आपका नंबर? नाम तो पाजी का देख के रखा है ना, पाजी से ही मैं चाय देखती हूँ। बहुत दिन हो गए इतने छोटे बेबी को, अब मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए। 20 साल का हो गया मेरा बेटा और 18 साल की। बड़ी बड़ी आंखें सब कुछ देख रही है।
कितने घंटे? रात में ज्यादा दिगदार नहीं करती है, ससुर के देने से थोड़ा कभी कर देती है, तभी उठती है बस। बहुत प्यारी है, कैसे ये देखो डकार वकार मारती है ठीक से, दूध पीने के बाद डकार मारती है? हाँ, मारती है। टाइम लगाती है कि जल्दी हो जाता है? हो जाता है जल्दी, हो जाता है ऐसे ऐसे कि गोद पे बिठाना पड़ता है? नहीं, ऐसे करती है, ऐसे करती दूध पिलाने के लिए बाती है कलाई से। मुस्कुरा रही है। हाँ बहुत स्वीट है ये तो। चलो निन्नी करो फिर। मेरा बेटा दूध पीने के बाद ऊपर नहीं डकारी नहीं मारता था, डेढ़ घंटे के लिए यूं 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 पीछे फटफट करते करते करते। यूं तुम तो अच्छी लड़की हो। हाँ मामा कह रही है तुम अच्छी हो। अब कुछ कहेगी? दूध चाहिए नहीं मैं। हाँ बगैर दूध के चलेगा ऐसे। अब भूख लगने लगी है? अभी अभी पिलाया था दूध आपने। अच्छा। आने से पहले। अच्छा रेडी करके रखा है मामा ने? कहाँ बताएंगे? कहीं भी आप बता दो। अंदर रहेंगे? हाँ मैं पता हूँ। चलिए चलो मामा के पीछे पीछे चलो। आपका दादी माँ को देख लीजिए, हम बहुत ही किताब हम बहुत जतन से रखा है पहले से। हम लोग का जो कांग्रेस में वोट दे रहा था अच्छा। दो दिन से बहुत चार साल का संख्या रखा है बहुत। तुम तो चाय नहीं पी सकती। नहीं मामा के पास है सिर्फ मेरे लिए बनाई है, आप नहीं लोगे? आप मुझे बताओ कि आपको सब मुश्किल होती है, क्या मुश्किलें होती है वो बताओ। अब दूध चाहिए जाए नहीं कुछ नहीं होगा, इसको बाहर खर्चा अच्छा हो जाता है? खर्चा मतलब ऐसे तीन ये लोग तीन भाई तीनों यही रहते हैं। हम लोग का बगल में से
किसी का परमानेंटली जो नहीं है सो भी टेम्पररी करता है। मैं तो बाहर में दूसरा का गाड़ी चलाता हूँ और घर चलाता हूँ बस। और आपके भाई क्या करते हैं? भाई वो बगल में कुछ टेम्पररी परमानेंटली मिल रहा है। कितना मिलता है उनको? 1800 रुपया मिलता है। तो आपको आपको सरकार से और नेताओं से क्या उम्मीद है? इसे तो बहुत दिन से जो कांग्रेस सरकार भी था अभी इसे तो कुछ मिला नहीं किसी के तरफ से। घर इसे घर का हालत ऐसे हो गया है। ये तो जो बीजेपी सरकार है वो लोग तो बुला है ऐसे, इतना भी कुछ मिला नहीं। अब हम लोग का बहुत खुशी हुआ है आपको देख के। अब जो चाय मजदूरों के लिए आया है असम लोगों के लिए चाय मजदूरों के लिए आप अपने खुद समझे आया है, बहुत खुशी का बात है। लेकिन अगर आप किसी नेता से किसी पार्टी से कुछ मांग सकते अपने लिए, मतलब कि अपने जीवन के लिए अपने लोगों के लिए, तो क्या बोलते? हम लोग तो अभी विश्वनाथ चार्ली का जो अंजन बोरा है उसी को जी, मतलब जैसे जब मैं अभी चाय के बगान में गई तो मजदूरी कह रहे थे कि वो सिर्फ 167 मिलती है। वो कह रहे थे कि अगर हमारी मजदूरी बढ़ जाए जी जी तो हमें बहुत सुविधा होगी। वो कह रहे थे कि उनके पास मतलब टॉयलेट भी नहीं है वहाँ और चिकित्सा के लिए भी कुछ नहीं है। तो आपको क्या सुविधाएं मिल सकती है? जैसे आप कह रहे थे आपका सिलेंडर खाली पड़ा है, तो कैसी कैसी सुविधाएं आपके लिए अच्छी होती है? अगर आप वही बात अभी गैस भराने के लिए तो हम लोग का इतना पैसा नहीं होता है जो 800-900 रुपया लग जाता है भराने के लिए। तो अभी तो जितना सरकार तो कमती करने से हम लोग हर पब्लिक के लिए अच्छा होता है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। महंगाई बहुत है और ये डीजल कोई भी चीज़ के अभी जो मार्केट में जाएगा तो हर ऐसा होता है लेकिन हजरा तो नहीं बढ़ रहा है, ऐसे ही चल रहा है। मतलब महंगाई बढ़ रही है लेकिन कमाई बढ़ नहीं रही है। कमाई बढ़ रही है, बच्चों को अच्छे स्कूल में देंगे वो तो सकते हैं लेकिन देंगे? कौन से स्कूल में जाते हैं? वो गाँव है एलपी स्कूल में सामने में है अभी से गवर्नमेंट स्कूल में। पढ़ाई ठीक होती है उसमें? पुलिस बनोगे? क्या करोगे पुलिस बन के? चोर पकड़ोगे? और हम लोग का मतलब सभी लोग टेम्पररी कंपनी के तरफ से भी कुछ नहीं है और सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला। बाबा अभी तो बूढ़ा भी हो गया, बाबा का तो रहने के लिए जमीन तक नहीं है हम लोग का पास। जो भी मीडिया यहाँ पे आए हम लोग तो वही बोलेंगे क्योंकि जो सुविधा नहीं कर रहता था हमको तो बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना हाँ। चाहिए चाहे कांग्रेस पार्टी हाँ, हो चाहे कोई भी हो क्यों नहीं, क्योंकि देखो अब चुनाव आ रहा है हाँ। तो आपको सबसे बड़ा अधिकार कौन सा मिला है? क्या कह रहे हो उसको? क्या कर रहे हो? तो सबसे बड़ा अधिकार तो आपका वोट ही है ना। अगर कोई आपके लिए काम नहीं करता तो उसके उसको वोट मत दो, है ना। ये तो आपसे अच्छा तो कोई इसका अनुमान नहीं कर सकता नहीं। मैं आऊंगी मैं कुछ बोलूंगी, कोई और आएगा कुछ बोलेगा, लेकिन आप में तो अपना विवेक है ना। आप अपनी परिस्थितियों को जानती हो, आप जानते हो कि ठीक है 5 साल हो गए महंगाई बढ़ गई, मुझे मतलब कमाई वहीं की वहीं है या कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो मेरे लिए किसी ने कुछ किया कि नहीं किया ये तो आप ही जानते हो। तो इसमें सबसे अच्छा अनुमान तो आप ही लगा सकते हैं और निर्णय भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय है वो सोच समझ के लेना है, क्योंकि अपने लिए अपने बच्चों के लिए छोटी प्यारी सी बेटी है, आप चाहते हो कि इसका भविष्य बने, कि जो भी है ठीक है आप उम्मीद रखते हैं, हो सकता है
कोई हो सकता है कि कोई नेता आके कुछ अपनी भलाई से भी कह दे कि मैं इतना कर सकता हूँ, उसको कर ना पाए या उसका आधा ही करे, लेकिन आपको तो मतलब अपने बच्चों से भविष्य होना, आपके भविष्य से होना चाहिए, तो आपको निर्णय लेना चाहिए इस भविष्य के को ध्यान में लेकर। घड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन चाय खत्म नहीं हुई। मुझे मीटिंग में जाना है, आज भाषण देना। आप खा रहे हैं? अयान बोला थोड़ा सा खा लो, नहीं लो आधा ना। ये नारियल का बिस्किट है ना, मेरे हस्बैंड का फेवरेट बिस्किट है।